बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और रमज़ान में रोज़े रख रहे होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में प्लीज़ याद रखें। आज जो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो इफ्तार की रेसिपी है। मैं आपके साथ बेक्ड पास्ता बनाने वाली हूँ, बेक्ड वाइट सॉस पास्ता। और ये मैं पास्ता आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। चिकन जाएगा इसमें तकरीबन, ये 250 ग्राम्स हमारा चिकन है। इसको मैंने ना, ये देखें, लंबे लंबे पीसों में ना काटा हुआ है, जूलियन कट किया हुआ है। और ये मेरे पास कैप्सिकम है, ये भी जूलियन कट है, और कैरेट वो भी जूलियन कट है। एक कप कैप्सिकम है और एक कप ही कैरेट है जूलियन कट। और ये सोया सॉस जाएगी 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक केचप जाएगी, 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप जाएगी, ऑयल जाएगा थोड़ा सा, 1 टेबल स्पून चीज़ ऊपर से जाएगी बेक करने के लिए, और मिक्स हर्ब्स जाएंगी, ऑरिगेनो जाएगा 1 1 पिंच या हाफ ऑफ टीस्पून। और इसकी चिकन के मैरिनेशन में मैं टिक्का मसाला डालती हूँ। अगर आप ना एक्सक्लूड करना चाहें तो ये टोटल अप टू यू है, लेकिन ये ज़रा ना बड़ा इसका फिर एक वो जैसे कहते हैं ईस्टर्न फ्लेवर आता है, जो हमारे पास्ताज में आप जब कभी खाते हैं ना बाहर जाके पास्ताज, तो एक ईस्टर्न से टच आता है आपको पास्ताज के चिकन में, वो टिक्का मसाला की वजह से होता है। तो मैं इसको पहले, सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करूँगी, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ये मैं मैरिनेशन स्टार्ट करने लगी हूँ चिकन की। ओके, इसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून गार्लिक पेस्ट पहले ही साथ डाला हुआ है, क्योंकि ये मुझे इसमें ही चाहिए था। और ये योगर्ट जाएगा हमारा तकरीबन 4 टेबल स्पून, मैं इसमें योगर्ट डाल रही हूँ। 4 टेबल स्पून मैंने योगर्ट डाल दिया। और टिक्का मसाला, अगर आप टिक्का मसाला नहीं डालना चाहते तो आप इसमें सॉल्ट डालें, रेड चिली पाउडर डालें और पेपरिका डालें, तो या चाट मसाला थोड़ा सा डालें, तो वो भी आपका तकरीबन सेम फ्लेवर आएगा ना। तो अगर आप ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ना टिक्का मसाला डाला है मैरिनेशन में। और इसको अगर आप रखना चाहें तो आप इसको तकरीबन 15 to 20 मिनट इस चिकन को मैरिनेट करके रख सकते हैं, और अगर उसी टाइम कुक करना चाहें तो उस टाइम भी कुक किया जा सकता है। ये मैंने मैरिनेट कर दिए, तो अब मैं इसको कुकिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। मैं इसको अभी मैरिनेट करके नहीं रख रही, मैं साथ ही कुक करने लगी हूँ, क्योंकि इफ्तार में मुझे ये सर्व करना है पास्ता और टाइम थोड़ा होता है, तो मैंने इसको आज बिफोर टाइम नहीं मैरिनेट किया। रिजल्ट सही में आएगा, क्योंकि चिकन जूलियन कट है, बहुत थिन में लेयर्स में है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये 2 टेबल स्पून ऑयल मैंने डाला है, और इसके अंदर ये मैं ना चिकन को सौते कर लूँगी। चिकन को आपने इसमें कुक कर लेना है, बस तकरीबन आपको वेल डन ही चिकन हो जाए, वाइट हो जाएगा और अच्छे से कुक हो जाएगा, तो फिर मैं बाकी चीज़ें डालूँगी। ये मुझे तकरीबन 1 मिनट हो गया इसको कुक करते हुए, तो ये चिकन ने अपना ही वाटर रिलीज कर दिया, कुछ योगर्ट का वाटर है, इसी में ये चिकन अच्छी तरह मेरा कुक हो जाएगा। तो आपने इसलिए इसमें एक्स्ट्रा वाटर या कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी, इसमें अच्छी तरह हो जाएगा ना। मीनवाइल मैं आपको बता दूं कि ये जो पास्ता मैंने बॉईल किया हुआ है ना, तो अगर वैसे तो आप सबको करना आता होगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने सिर्फ वाटर के अंदर इसको बॉयल किया, ना मैंने कोई सॉल्ट डाला और ना ही ऑयल डाला, खाली वाटर के अंदर मैंने बॉयल किया। बॉयल करके मैंने उसके बाद इसको अच्छी तरह पानी से वॉश कर लिया, और ये देखिए ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं। और अगर आपने पास्ता पहले से बॉयल करके रखा होगा ना, तो कई दफ़ा पास्ता जुड़ जाएगा, स्टिकी हो जाएगा ना, तो अगर आप उसको दोबारा वाटर से, ठंडे पानी से वॉश करेंगे ना, तो वो बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा। आप ज़रूरत नहीं है, हाँ लगाना चाहें हल्का सा ऑयल तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन वैसे ये वाटर ऐसे ही हो जाता है। अब इसे मैं 2 मिनट और कुक करूँगी, तो ये रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए चिकन ज़बरदस्त किस्म का मेरा डन हो गया, अच्छे से डन हो गया, और ये श्रिंक भी हो गया है। पॉट में आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, क्योंकि ये पॉट काफ़ी बड़ा है, तो मैं आज कम क्वांटिटी में पास्ता बना रही हूँ, तो उस हिसाब से ही चीज़ें जाएंगी, ठीक है। तो अब ये इसके अंदर ये मैंने कैप्सिकम डाल दी, और ये मेरी कैरेट भी चल गई, ठीक है, इसके अंदर। और मैं इनको तकरीबन हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए, लो फ्लेम नहीं करना आपने वेजेस डाल के, वेजेस को आपने क्रंची रहने देना है, वेजेस फिर अपना वाटर रिलीज कर लेती हैं, फिर वो क्रंची नहीं रहती। आपने जब भी चाइनीज कुकिंग जितनी भी होती है ना, वो हाई फ्लेम पे होती है। बेशक पास्ता हम देसी चाल से नहीं बनाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों तरीक़ों से बनाते हैं, पास्ता हो गए, स्पैक्टीज हो गए, लेकिन आप इनकी कुकिंग हमेशा हाई फ्लेम पे करें, उससे ना चीज़ें क्रंची रहेंगी, आपकी वेजीज में जो क्रंच है ना वो बाकी रहेगा, ठीक है। ये आप देखिए मैंने इसको आपके सामने ही डाला, और ये मेरा डन हो गया, मैं इसको मज़ीद कुछ भी नहीं इसमें डाल रही, ओके। ये अब मैं आपके साथ, ये मैंने पास्ता डाल दिया, ओके। अब ये पास्ता भी चला गया, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ तक बिल्कुल इजी था, कुछ भी ऐसा समझने वाला नहीं था, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे बेक पास्ता के।
ये मैंने अच्छे से पास्ता इसमें मिक्स कर दिया। अब मैं फ्लेम को लो कर लूँगी, क्योंकि अब मेरी वेजिज जो है वो क्रंची है और कुक्ड है, चिकन मेरा डन है। अब मुझे कुछ इसमें पकाना नहीं है, अब मुझे अब सिर्फ इसमें सीजनिंग्स करनी है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून सोया सॉस चली गई और पिंच ऑफ मिक्स्ड हर्ब्स, पिंच ऑफ ऑरिगेनो लीव्स, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये व्हाइट सॉस है, ठीक है, व्हाइट सॉस की रेसिपी मैं बहुत दफा शेयर कर चुकी हूँ, मैंने कल भी वीडियो अपलोड की है चिकन स्टेक की, ये वही व्हाइट सॉस है। मैंने ज़्यादा बना ली थी क्योंकि मुझे आज व्हाइट सॉस पास्ता बनाना था, इसलिए मैंने ज़्यादा बनाई थी कल, ठीक है। ये वही लेफ्ट ओवर सॉस है मेरी, तो अगर आप किसकी रेसिपी देखनी है तो चिकन स्टेक की रेसिपी चेक करें और उसमें देखें व्हाइट सॉस की रेसिपी। और ये बिल्कुल बेसिक रेसिपी है, मैं फिर भी थोड़ा आपको रिकैप कर देती हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है, जो जल्दी जल्दी पास्ता बनाने वाले हैं। मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया, 2 टेबलस्पून ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने मैदे को लेके 7 टेबलस्पून मैंने ज़्यादा बनाई थी, 7 टेबलस्पून मैदा लेके उसको मैंने रोस्ट किया। ड्राई उसको रोस्ट करने के बाद उसमें मैंने ग्रेजुअली मिल्क ऐड किया, थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करके पेस्ट बना लिया और 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड की। क्रीम ऐड करने के बाद मैंने इसको सीजन किया, मैंने इसमें ऑरिगेनो डाली, मिक्स्ड हर्ब्स डाली, पार्सली डाली और चिली फ्लेक्स, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और सॉल्ट और चिकन पाउडर, ठीक है। तो ये मेरी व्हाइट सॉस बड़ी यमी सी रेडी हो गई। हाँ, आज में मैंने चॉप्ड अनियन भी डाला था, क्योंकि जो स्टेक की और ये बेक्ड पास्ता की होती है ना व्हाइट सॉस, इसमें एक चॉप्ड अनियन भी जाता है। तो ये आप प्लीज़ उसमें से रेसिपी चेक कर लें, फर्दर अगर आप लोगों को देखनी है तो आप ज़रूर बताएं, मैं अलग से व्हाइट सॉस की रेसिपी भी बना के अपलोड करूँगी। और अब मैं इसमें ये ग्रेजुअली व्हाइट पास्ता व्हाइट सॉस जो है ना इस पास्ता में ऐड करूँगी जितनी मुझे रिक्वायर्ड होगी। मेरा ख्याल है कि ये मेरी बिल्कुल पूरी है, इसकी आपने कंसिस्टेंसी देख ली है ना सॉस की, बिल्कुल भी ये जो सॉस है ना ये पतली नहीं है। देखिए वेरी नाइस, देखिए कितना गुई हो गया हमारा पास्ता, कितना माउथ वाटरिंग रेडी हो गया। अच्छा, इस स्टेज पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो व्हाइट सॉस पास्ता हम खाते हैं ना ये रेडी है, ये आप इस स्टेज पे सर्व कर सकते हैं। अगर आपने इसको बेक नहीं करना तो ये परफेक्टली डन है और इसमें कोई भी आपको केचप वगैरह या चिली गार्लिक केचप ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये पहले ही बहुत अच्छी इसमें सॉसेस डली हुई है, मैं अच्छे से ये उतार के सारा डाल दूंगी, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ये आप इस स्टेज पे जरूर थोड़ा सा रख के देखिएगा और वो भी इफ्तार के बाद थोड़ा सा चेक कीजिएगा, ये व्हाइट सॉस पास्ता बहुत अच्छे वाला रेडी हो गया, यम वाला। लेकिन अब मुझे क्योंकि आज बनाना है बेक्ड पास्ता तो, और मैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना चाह रही हूँ बेक्ड करने के लिए, तो मैं इसमें ये थोड़ी 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक केचप, चिली गार्लिक सॉस या केचप जो भी आप इसको कहते हैं, ठीक है, और 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप व्हाइट ही रखना चाहते हैं ना पास्ता को तो आप मत डालें। ये मुझे थोड़ा सा स्पाइसी सा टेंगी सा करना है बच्चों के लिए और इसको मुझे थोड़ा सा वो पिंकी सा लुक देनी है, तो मैंने इसलिए ये केचप ऐड किया। और बस ये अब मेरा पास्ता बिल्कुल डन है, ठीक है। अब मैं इसको फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और मैं इसको डाल के इसके मोल्ड में और ऊपर से चीज की लेयरिंग करूंगी और मैं इसको बेक कर लूंगी। ये अब ना पैन को मैं ग्रीस कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला इसमें बिल्कुल हल्का सा और ये मैं अच्छे से ना ब्रश से साइड्स में इसके सारे लगा लूंगी। और ग्रीस करने से ये होगा कि अच्छे से हमारा जो पास्ता है ना वो बिल्कुल चिपकेगा नहीं इसके साथ ना पैन के साथ। अगर तो आपका पैन हैवी वाला है तो वैसे भी ये बेहतर ही रहेगा, मेरा ये पैन हैवी है, जो लाइट पैन होते हैं उनमें कई दफ़ा ज़्यादा चिपक जाता है क्योंकि हीट ये ज़्यादा अब्सॉर्ब कर लेते हैं, वो इतने सही नहीं रहते, ठीक है। अभी ग्रीस कर लिया, अब मैं इसमें पास्ता शिफ्ट करूँगी। अब ये पास्ता सारा मैंने मोल्ड में कर लिया शिफ्ट, इसको मैं चीज़ से अच्छी तरह ऊपर से कवर कर दूंगी। डिपेंड करता है, अगर आपको ज़्यादा चीज़ी पास्ता खाना है तो आप बीच में भी चीज़ डाल सकते हैं कुकिंग के दौरान भी, ठीक है। तो वैसे ये काफ़ी है मेरे पास, तकरीबन ये 200 ग्राम का पैकेट है, हाफ था, 100 ग्राम था मेरे पास, हाफ से ज़्यादा ही थी, तो काफ़ी है इसके लिए ना। और अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो टोटल आपकी मर्ज़ी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको चीज़ से मैंने अच्छे से कवर कर लिया, अब मैं इसको टॉप से ना कैरेट के पीसेज हैं जूलियन कटे हुए मेरे पास, कुछ कैरेट के पीसेस डाल दूंगी, कुछ कैप्सिकम के पीसेस डाल दूंगी, उससे डेकोरेट कर दूंगी ताकि ये टॉप से ना बड़ा फिर लगेगा, टेम्पटिंग सा लगेगा।
ये मैं कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग देखते हैं, कीमती वक्त देते हैं अपना, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, अपना साथ देते रहें, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी। कोई भी रेसिपी अगर आपको सीखनी है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं आप क्या सीखना चाहते हैं। मैं पूरी ट्राई करूँगी कि आपकी पसंद की रेसिपीज़ लेकर आऊँ, रमज़ान में भी, ईद के हवाले से भी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये बात करते करते ये डेकोरेट हो गया हमारा पास्ता। अब मैं इसके ऊपर ये देखें चिली फ्लेक्स, आपके अगर आप इसको लज़ानिया के साथ मिक्स कर रहे हैं ना तो मत करें, लज़ानिया से इसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट होगा। और जो लोग समझ रहे हैं कि मैंने इसके अंदर सॉल्ट नहीं डाला, तो व्हाइट सॉस के अंदर पहले ही सॉल्ट था, चिकन पाउडर था, और इसके अंदर सोया सॉस भी गई है, टोमेटो केचप भी गई है, चिली गार्लिक केचप भी गई है, तो सॉल्ट की ज़रूरत ही नहीं थी। और ये मैं टॉप पे थोड़े से ओरिगैनो लीव्स डाल रही हूँ, और अब मैं इसको ना 180 डिग्री पे बेक कर लूँगी तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। ये अब मैंने ओवन ऑन कर दिया, ठीक है। अब इसको मैंने पहले 250 डिग्री पे किया है, क्योंकि मुझे ना मेरा ओवन की रॉड्स ऑन नहीं होते, 180 डिग्री पे रेड नहीं सही से होते, फिर मुझे होता है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए ना, तो मैं इसलिए इसको ना तेज़ कर लेती हूँ। बाद में ये देखिए मैंने इसको 180 डिग्री पे शिफ्ट कर दिया है, और ऊपर का और नीचे का दोनों रॉड ऑन है, और क्योंकि मुझे इसको ऊपर से कलर भी देना है, क्योंकि पकाने वाला तो कुछ खास है नहीं इसमें, और इसको मैं अब 15 मिनट्स में निकाल लूँगी। अब ये हो गए हैं, इसको 15 मिनट हो गए हैं, ठीक है, तो मैंने ये ऑफ कर दिया है ओवन को आपके सामने, और ये मैं पास्ता को आपके सामने ही निकाल रही हूँ। आई होप कि आप देख पा रही हूँ कि कितना ज़बरदस्त किस्म का बेक हुआ हुआ है, मैं बाहर रख के दिखाती हूँ आपको। ये अब हमने पास्ता को डिश आउट कर लिया है, बेक पास्ता को। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा, और आप इसको प्लीज़ ट्राई करिएगा। मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखाती हूँ, वैसे तो हम सबका रोज़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इफ्तार के टाइम फिर टाइम नहीं होगा। मैं आपको दिखाती हूँ ये थोड़ा सा डिश आउट करके। ये मैं थोड़ा सा आपको ना निकाल के, ऑफकोर्स इसके पीसेस कट नहीं होंगे, लेकिन मैं सिर्फ इसकी ना आपको इसकी ये देखें इसकी लेयर्स दिखाना चाह रही हूँ। असल में ये देख रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त किस्म का, ये मोज़रेला चीज़ की वजह से ना इसकी इस तरह की लेयरिंग आई है, और ये गुई तो ऑफकोर्स है ही। ये अब आप देखें, आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा जब आप अपनी फैमिली के साथ ट्राई करेंगे। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे फीडबैक देना है कि ये कैसा बना है, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।